देखिए ये पूरा यहाँ पे पुल जा रहा है। अभी यहाँ पे नाव चल रही हैं, लोग अपना स्नान कर रहे हैं, कोई श्राद्ध कर रहा है। ये है मैन मेड घाट। एक बूंद मैंने अभी तक यहाँ पे मैं एक घंटा हो गया कचरा नहीं देखा मैंने। ये है लता मंगेशकर चौक। ये है आपकी कनक रसोई कनक, और यहाँ पे ये नया बन रहा है। तो रामायण में राम जी ने एक बात बोली थी कि जब भी राम जी का पूजन किया जाएगा उससे पहले हमेशा हनुमान जी का नाम लिया जाएगा। इसी आस्था के साथ मैं आ चुका हूँ अयोध्या, और इस समय मैं हूँ सरयू घाट या फिर नया घाट इसको बोल सकते हैं। और मेरे पीछे है सरयू नदी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैन मेड घाट है। तो सबसे पहले मैं यहीं पर आया हूँ, अभी उतरे हैं सुबह के 10। और क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं और किस तरीके से आपकी ट्रैवल जर्नी या ट्रैवल आइटनरी आप बोल सकते हैं रहेगा, वो इस आज की वीडियो में कवर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सरयू घाट या नया घाट जो बना है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये मेरे पीछे आपकी इस रोड की तरफ से आप हाईवे से अयोध्या सिटी के अंदर एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद सीधे आपको इस तरफ आना है, और यहाँ से कार अपना कार से आ रहे हैं, बाइक जिससे भी आ रहे हैं, या ऑटो भी चलते हैं, ऑटो से आप सीधे नीचे आ जाइए। यहाँ पे सरयू घाट है वो आपको दिखा दूंगा, पहले ये मैन मेड घाट जो है मैं ये दिखा देता हूँ। देखिए ये है मैन मेड घाट, और मैन मेड मैं इसलिए बोल रहा हूँ इसको, जैसे मैं पास जाऊंगा ना तो आपको पता लग जाएगा कितना ब्यूटीफुल है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे ना तो चारों तरफ ये मंदिर और अलग अलग तरीके की चीजें हैं, बहुत अच्छा बना है। फोटो खिंचवा लेते हैं DSLR में। भैया एक फोटो का कितना है? 10। अभी ये है मैन मेड घाट, और ये मैं आपको यहाँ पे पास जाके दिखाता हूँ। जैसे आप देख रहे होगे ये है पीछे रोड जा रही है, और उस तरफ सरयू नदी है, ठीक है। इस तरफ जो है मतलब सरयू नदी इस तरफ से भी ऐसे ऐसे जा रही है, लेकिन उसको यहाँ पे बना दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे खास बात क्या है बाकी घाट से जो इसे अलग बनाता है, इसका जो पानी का लेवल है ना वो घुटनों से नीचे ही रहता है, मतलब इसके नीचे फर्श हो रखा है, सीमेंट हो रखा है पूरे, ऐसे कि ये है यहाँ पे। तो आपका पहली बात तो बजरी और मिट्टी वगैरह को चुपकी चुपती नहीं है आपके। दूसरा यहाँ पे ये रहता है कि जैसे आप देख रहे होंगे कि पीछे भी अगर आप जाते हैं ना वहाँ पे बीच में जैसे देख रहे होंगे बच्चे वगैरह नहा रहे हैं, तो बीच में सेम इतना ही पानी रहता है। फिर आप देख रहे हो कि जगह कितनी है, ये देखिए। बहुत क्या चाहिए तुम लोगों को, पैसे नहीं है, थोड़ी देर बाद दे दूंगा। देखो ये आपका पुल जा रहा है यहाँ पे, और पूरा यहाँ पे पुल जा रहा है, और इस तरफ पूरा आपको बाजार वगैरह थोड़ा दिख जाएगा, और ये मैन मेड आपका यहाँ पे घाट बना हुआ है। लोग नहा रहे हैं यहाँ पे आराम से, बहुत जगह है, मतलब जगह ही जगह है, आप कहीं भी जाइए जगह ही जगह है यहाँ पे। धन्यवाद देना चाहूँगा योगी सरकार को, मोदी जी की सरकार को, क्योंकि पहले मैं बस्ती से एक्चुअली आया हूँ, मैं नानी के घर बस्ती में, तो लोग यहाँ पे बताते हैं कि पहले रास्ता भी सही नहीं था यहाँ पे, और अब जैसे आप यहाँ की कंडीशन देखेंगे ना तो कहीं से कहीं तक आपको लगेगा नहीं कि कुछ भी चीज़ की कमी है, और यहाँ पे हर दूसरी जगह कैमरा लगा हुआ है, पुलिस आपको हर जगह मिल जाएगी, खाने पीने की सुविधाएं सब कुछ बहुत बढ़िया है। और एक बूंद मैंने अभी तक यहाँ पे मैं एक घंटा हो गया कचरा नहीं देखा मैंने। तो ये रहा पूरा घाट का आपका, तो ये तो पहला हमारा जगह हो गई जो कि हो गई हमारी सरयू घाट। अब दूसरी जगह चलते हैं जो कि हनुमानगढ़, क्योंकि राम जी का मंदिर देखने से पहले हनुमानगढ़ जाना जरूरी होता है, हनुमान जी का आपको पता है टेम्पल जाना पहले जरूरी होता है। तो यहाँ से हम ऐसे सीढ़ियों से चढ़ के जाएंगे ऊपर, और वहाँ से ऑटो। एक बार मैं आपको जल्दी से सरयू नदी दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे फिर 1 बजे की ट्रेन है और फिर मुझे काफ़ी जगह कवर करनी है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया पूरा घाट है, हमें घाट से सीधे की तरफ ये जाना है, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे। वो अयोध्या के 2 स्टेशन है, फैजाबाद का भी अयोध्या कांट स्टेशन बना दिया है, दूसरा अयोध्या जंक्शन है। तो यहाँ से दिल्ली वगैरह के लिए डायरेक्ट ट्रेन भी मिल जाएंगी। एयरपोर्ट नहीं है, एयरपोर्ट नियरेस्ट आपका लखनऊ रहेगा, और उसके अलावा बस वगैरह की सुविधा भी आपको मिल जाएगी यहाँ से डायरेक्ट। तो ये है सरयू नदी, यहाँ पे नाव चल रही हैं, लोग अपना स्नान कर रहे हैं, कोई श्राद्ध कर रहा है, और वाइड एंगल लेंस जस्टिस नहीं कर रहा होगा, लेकिन बहुत ही बड़ी और विशाल नदी है ये। अब यहाँ से हमें इस तरफ जाना है हनुमानगढ़ के लिए। ये ऊपर चढ़ाई जा रही है क्योंकि ये नीचे है घाट, और ऊपर जो मेन रोड है वहाँ जा रही है। तो मैं वहीं यहाँ पे आपको सामान वगैरह भी लोकल जो मिलता है ये सब कुछ मिल जाएगा। मेट्रो में बैठ गया हूँ, 10 रुपए आपको सरयू घाट से लेके हनुमानगढ़ तक का किराया पड़ेगा, लेकिन ये मेरी मेट्रो खाली है अभी। तो भैया बोल रहे थे कि अगर आप बुक करके चलोगे तो आप 40 रुपए में मैं बुक करके आपको छोड़ दूंगा, लेकिन मैंने कहा जल्दी नहीं है तो आप आराम से सवारी भर लीजिए अपना, और क्योंकि ये शहर थोड़ा छोटा है तो इसलिए 10 से 20 रुपए मैक्सिमम किराया जो है आपको लग जाएगा। और यहाँ पे आप ये शॉप्स वगैरह देख रहे होंगे, तो शॉप्स में आपको काफ़ी कुछ सामान जैसे लोकल रेवड़ी वगैरह मैं काफ़ी देख रहा हूँ, रेवड़ी वगैरह बहुत मिल रही है यहाँ पे, तो वो आप यहाँ पे पिक कर सकते हैं, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप पैदल भी जाना चाहते हैं तो पैदल भी आप जा सकते हैं। सबसे पहले आइए सरयू घाट पे, हम स्नान वगैरह कर लीजिए, उसके बाद करें जाइए। ये है लता मंगेशकर चौक।
जो कि लता मंगेशकर जी हैं उनके ऊपर बनाई गई है। क्या करते हो भैया? मैं तो जॉब करता हूँ। ये पूरे मार्केट में आपको यहाँ पे सजावट वगैरह मिल जाएगी और लाइन से यहाँ पे शॉप्स हैं जैसे हरिद्वार में होती हैं। कुछ भी आपको अपना सामान खरीदना है आरती के लिए या कुछ और सामान लेना है, सब कुछ आपको यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी कीमत मिल जाएगा और सामान बहुत सस्ता है। ऐसा नहीं है कि जैसे होता है ना टूरिस्ट प्लेस पे, ऐसा नहीं है। रहा आपका हनुमान गढ़ी के लिए गेट, बड़ी भीड़ है यार यहाँ पे। तो ये दूसरे गेट से मिनी मेट्रो वाले ने छोड़ा है और उसके बाद फिर आपको जाना है अंदर हनुमानगढ़ के लिए। इस तरफ आपको दशरथ महल और बाकी सारी चीज़ें भी दिख जाएंगी। पहले गेट थोड़ा जल्दी पड़ जाता है, उस तरफ से आएंगे तो चलना ज़्यादा पड़ेगा आपको और बहुत ज़्यादा भीड़ है, मतलब बहुत ही रश है आज तो बहुत। और एक चीज़ मैंने और नोटिस करी यहाँ पे कि जितने भी आपको घर दिखेंगे ना, जितने मकान दिखेंगे यहाँ पे, सारे के सारे जो हैं आपके वो पीले रंग से हैं। पीले रंग से मतलब कर दिया है बाद में पेंट या कुछ और है, ये मुझे आइडिया नहीं है। अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। लेकिन ये देखो चारों तरफ ये आपको हर जगह ये पीले मकान दिखेंगे यहाँ पे और हर तरफ आपको भोजनालय दिख जाएगा, खाने की शॉप्स वगैरह मिल जाएंगे। और ये देखिए ये दशरथ महल आपको यहाँ पर दिख जाएगा। मैं आ गया हूँ हनुमानगढ़ मंदिर और कंफ्यूजन थोड़ा हो गया था कि बीच में तिराया था तो मुझे समझ नहीं आया कि किस तरफ जाना है, तो मैं पहले दशरथ महल की तरफ चला गया। वापस जब मैं लौट के आया और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी सीढ़ियाँ मिल जाती हैं। मैंने किसी का वीडियो देखा तो उन्होंने बताया था कि एक्चुअल कितनी सीढ़ियाँ हैं, लेकिन मुझे याद नहीं है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। ये मैं यहाँ मीठे की दुकान पर रुका। अभी हम जा रहे हैं ऊपर, सीढ़ियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे और मतलब अलग ही लेवल का यहाँ पे फील आ रहा है, अलग ही लेवल का। भैया भैया कर लिए हैं और अब हम वापस से जा रहे हैं दशरथ महल। और एक खास बात यहाँ की एक और ये है जो मुझे अभी लगी है कि यहाँ पे मिठाई की काफ़ी सारी शॉप्स हैं क्योंकि प्रसाद के लिए चाहिए होती हैं, लेकिन जो क्वालिटी है ना देसी की, आपको एक पाव मिल जाएगा 250 ग्राम 100 रुपये के लड्डू, डालडा वाले 60 रुपये की क्वालिटी, मतलब बिंदास एक नंबर क्वालिटी है। तो मैंने 1 किलो ले लिए हैं, अब घर जाके अपना प्रसाद भी चढ़ा दिया है, घर जाके अपना उसको। और ये मैं आ गया हूँ दशरथ महल। ये आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये है दशरथ भवन और यहाँ पे जो कारीगरी की गई है, मतलब देख के आँखों में ऐसा इतना वो चमक सी लगती है ना आँखों की, नेक्स्ट फील आता है। और यहाँ पे भी बहुत भीड़ है, मतलब रश तो बहुत ज़्यादा है, आज भी लगता है शायद मैं गलत दिन आ गया, रोज ही रहता है, मुझे आइडिया नहीं है। ये रहा इसका गेट। दशरथ जी के दर्शन हो गए हैं और जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है दशरथ जी का मंदिर। और एक मेरा सजेशन ये रहेगा आप लोगों को कि अगर पॉसिबल हो पाए ना, तो अगर दूर से आ रहे हो तो होटल में स्टे कर लेना रात में, और शाम में जाना, यहाँ 3 बजे के बाद जाना, ये धूप बहुत तेज़ होती है तो उससे गर्मी इतनी तेज़ लगेगी आपको और यहाँ पर इतनी भीड़ होती है, सफोकेशन ज़्यादा होगी, तो अगर वो हो पाए तो उस चीज़ का ध्यान रख लेना। और बाकी काफ़ी अच्छा मंदिर बनाया हुआ जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया। अब इसके बाहर आपका कनक भवन है और एक और चीज़, अगर आप खाने की तलाश कर रहे हैं कि शाकाहारी और एक अच्छा मतलब स्वच्छ खाना कहाँ पर मिलेगा आपको, तो जब आप दशरथ भवन से आगे आएंगे ना कनक भवन की तरफ, तो रास्ते में आपको ये दिखेगा,
ये है कनक सरकार रसोई, जो कि आपको 60 रुपये की थाली देती है, अनलिमिटेड टाइम आपका रिफिल है। और जैसे मैंने आपको दिखाया भीड़ कितनी हो रही थी, तो यहीं पे पहले आप खाना खाते हैं, उसके बाद सीधे आगे चलते हैं। ये आप भीड़ देख रहे हो, कितनी भीड़ है ये देखिए। ये आप और भैया, यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि जगह ही नहीं अंदर बैठने की, वो वेटिंग लिस्ट चल रही है। और ये मेरे पीछे है कनक भवन, और पहली जो फर्स्ट इम्प्रेशन है ना, देख के आंखें चुंधिया जाती हैं कि अरे ये क्या देख लिया हमने, इतना सुंदर है ये। ये जितना भी आप ये पीतल का सामान देख रहे हैं ना, ये सारा सामान आता है मुरादाबाद से, यानी कि मेरे शहर। जगह रेलवे स्टेशन, ये अभी देख रहे हो आप लोग, टेंपल जैसा बना रखा है। और यहाँ पे ये नया बन रहा है, मतलब पूरा बहुत विशाल रूप से बन रहा है, ये नया है। और ये आपका अभी इस समय जो वर्किंग है वो ये वाला है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने कनक भवन का अंदर से आप लोगों को नहीं दिखाया, क्योंकि कनक भवन के कपाट उस समय बंद थे जब मैं गया था वहाँ दोपहर में। तो जब भी आप लोग जाएगा सुबह या फिर दोपहर के बाद जाएगा, और वहाँ पे बंदर इतने ज़्यादा थे ना कि शूट करने में भी डर लग रहा था कि कहीं बंदर कोई फ़ोन ना छीन ले। एंड दूसरा, मैंने राम जन्मभूमि कवर नहीं किया, वो इसलिए क्योंकि वो थोड़ा मतलब बाहर था, ऑटो करके आपको वहाँ जाना पड़ता है, और वहाँ पे फ़ोन वॉलेट बेल्ट आपका पहले जमा हो जाता है। और अगर आप कहीं से भी आने का प्लान कर रहे हैं ना, तो अयोध्या जंक्शन वाले रेलवे स्टेशन की ट्रेन की टिकट बुक करके वहाँ पे आए, क्योंकि अगर आप अयोध्या कैंट यानी कि जो फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन है वहाँ चले जाएंगे, तो वो 10 से 12 किलोमीटर बाहर है, आपको फिर वहाँ से अंदर आना पड़ेगा। और होटल ऑनलाइन मत देखना, ऑनलाइन आपको जो मिलेगा एक तो बहुत महंगा मिलेगा, और हाईवे पे मिलेगा तो हाईवे से फिर कैब करके या फिर अपना व्हीकल से जाएंगे तो बहुत पेट्रोल वगैरह खर्च हो जाएगा। उससे अच्छा आइए यहाँ पे, उसके बाद ऑटो वाले से पूछ लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, 800-1000 रुपये में मैक्सिमम आपको AC वाला अच्छा होटल मिल जाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी, आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से आप अयोध्या की अपनी जर्नी प्लान कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। मेरा नाम अर्जित है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, और हाँ, अपने सपने पूरे करते रहें। गुड बाय एंड सायोनारा। एक एक फोटो का कितना है? 10। अभी PDF में दोगे या फोन में? तुरंत दे देंगे। फोन में दे दोगे? हाँ। लेकिन फोन में पेन ड्राइव वगैरह लगती नहीं है, C-type है।